ये जमीन यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से जमीनें जो है शुरू हो रही है। ये जो रास्ता है ये रास्ता भी निजी है, इसी जमीन मालिक के अधिकार क्षेत्र में आएगा। ये जो सामने देख रहे हैं ये पूरी जमीन जो है पूरी भूमि स्वामी की जमीन है। ये आगे कहाँ तक है? छिहत्तर बटे दो और छिहत्तर बटे तीन। हाँ इधर है, ये टुकड़ा हरी है। छिहत्तर बटे दो, छिहत्तर बटे तीन, ये टुकड़ा जो है ये जो देख रहे हैं ये आएगा। इसमें जो है धान की फसल लगी हुई है। ऐसे इधर से बताओ, इधर से कहाँ? अब इधर पूरा। सामने आप देख रहे हैं ये पूरा, ये पूरी जमीन है, पहाड़ी के नीचे वाली पूरी जमीन है। उसके बाद जमीन बहुत दूर तक है, सामने चट्टान वाला वही है। हाँ, चट्टान ही है, ऊपर खाली पूरा। सामने दिख रही है सारी जमीन जो है किनारे किनारे, हाँ किनारे किनारे बहुत नीचे तक गए, बहुत तकलीफ है। हाँ हाँ, दो ठो डोली के बाद बस्ती है, बस्ती है दो डोली बाद बस्ती बस्ती है। वही जगह तो पूरा आखिरी भयंकर। छोटा सा जो नक्शा में घास पीस बताते हैं वो यही है, ये टुकड़ा। हाँ, ये जो नक्शे में छोटा सा घास टुकड़ा जो बताता है वही सामने है। ये सामने देख रहे हैं ना, वो छोटा सा घास टुकड़ा है। 72 बटे जो है, 72 नंबर है ना, यहाँ तीसरा ऐसा है वो देखो। सूखा वाला जो झाड़ दिखा था तीसरा। हाँ हाँ, ये वाला पट्टी थोड़ा घास देता। ठीक 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 ठीक, वो घास जमीन भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। वहाँ से आगे आ जाओ, बहुत दूर है, बहुत दूर चलना नहीं है, दूर से दिखा दे। कैसे पूरा घूम के आया हुआ ना? मट्टी तो अच्छी लग रही थी, मट्टी तो बनाना पड़ेगा। नहीं तो बनाएंगे, बनाएंगे ही इसको जो है उसी हिसाब से बनाएंगे, जिस हिसाब से जो है काम करना होगा। आज नाला लग नहीं है बीच में ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा भर रही है, पूरा भर रही है। पूरा सा ये देख रहे हैं, पूरा जमीन जो है, ये पूरी पूरी जमीन जहाँ तो दिखाई पड़ रही है, ये सब भूमि स्वामी के अधिकार क्षेत्र की भूमि है, लगानी भूमि जो नक्शे में और ऋण पुस्तिका में दर्ज है। इसमें कितने एकड़ में धान हुआता है? छः से सात एकड़ में अभी वर्तमान में कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें अभी वर्तमान में धान लगा हुआ है। ये जो सामने पूरी देख रहे हैं ये पूरी जमीनें जो है पूरी जमीनें भूमि स्वामी के हक की है। ये सामने कहाँ था? उधर वो आगे में देखिए जो गाय दिख रही है उसके आगे भी है जमीन है। हाँ चलो आगे दिखाओ। इसमें पथरिया जमीन कौन सा है? पथरिया वाला, ये वाला? नहीं नहीं, जो है पढ़ने देखे। हाँ वही है, तो वापसी दिखाना मेरे को। पत्थर वाला थोड़ा सा है,
नहीं भी करेगा तो वहीं पे घर बना देगा। ऊपर ऊपर में सब ये मतलब नहीं तो खर्चा कर बनाना है ना भाई, तब तो काम आएगा। पहाड़ी के नीचे पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, पानी तो पर्याप्त है, जमीन भी काफी उपजाऊ है। जमीन जो है तिल्ली को आएगा, अभी इस प्लाट में जो खाली प्लाट है इसमें तिल्ली और उड़द की बुआई की गई है। ये सामने देखिए तिल्ली और उड़द की बुआई हुई है। हाँ तो इसमें अच्छी करते हैं, ओन्हारी बोलते हैं ना सब, न खातू न कचरा। जमीन अच्छी है, कितने फीट पानी मिल जाएगा? 100-125 फीट पानी मिल जाता है। 5 अभी मोटा चल जाएगा, अच्छा है? क्या क्या फसल है? उड़द। ये पूरी जगह पे उड़द की बुआई की गई है। आगे कहाँ तक है जमीन? वो झाड़ जो आखिरी खड़े दिख रहे वहाँ तक। ये सामने जो दिख रहा है सीधा, ये सामने जो झाड़ दिख रहा है वो इस जमीन का आखिरी कोना है। वहाँ से और वहाँ से ऐसे घूमते हुए पूरा जो है झाड़ वाड़ कट जाएगा, कोई झाड़ वाड़ जो है सब आएंगे जमीन में।